निकल गए हैं टुवर्ड्स लंदन। तो ट्रैफिक बड़ी मजे की है फिलहाल, मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त है इस टाइम, 25-26 डिग्री टेम्परेचर है। सलमान भाई ड्राइविंग कर रहे हैं और मैं एज यूजुअल पैसेंजर सीट इंजॉय कर रहा हूँ। अब आई डोंट नो कितनी देर तक सलमान ड्राइविंग करता है, तो मैंने कहा चले मैं ज़रा व्यू शू कैप्चर करता हूँ तब तक। तो यहाँ पे जिस रोड पे हम जा रहे हैं ये M62 है लीड्स वाली, और ये यहाँ पे पॉइंट आता है हाईएस्ट रोड ऑफ UK, तो अगर मुझे याद आता मैं आपको दिखाऊंगा। इंग्लैंड की बेसिकली ये हाईएस्ट मोटरवे है, आई मीन हाईएस्ट एटीट्यूड पे जो मोटरवे है। जरा से व्यू मजे का है, नॉट बैड। मैं क्या अपना आप तो दिखा लूँ, अभी मैं तैयार नहीं हुआ लेकिन फिलहाल ये रूप है। अच्छा ये बड़े मज़े का पॉइंट है, इधर से मोटरवे गुजर रही है और उधर से भी मोटरवे इधर वाली वापस आ रही है, और दरमियान में घर है एक, ये कोई बड़ा वड्डा चौधरी है जिन्हें अपनी जमीन नहीं दी UK दी। और देखे उन्होंने मोटरवे साइड से गुजार दिया किधर से किधर से, उस बंदे को डिस्टर्ब नहीं किया उन्होंने, मतलब वो अपनी जिद पे कायम है, उसने नहीं कर दिया अपना सो मोटरवे ने किधर से गुजार दिया एक उधर से गुजार दिया है, और ये घर कायम टाइम है दरमियान में। देखे ना ऑन द रेकर्ड मौसम अच्छा हो तो ट्रैवलिंग का मजा भी आता है, वैसे सूरज निकला हो ना। जी हम ऑलमोस्ट लंदन में एंटर होने वाले हैं और ट्रैफिक से आप अंदाजा लगा सकते हैं ट्रैफिक बिल्ट अप होना स्टार्ट हो गई है, जो कि लंदन की सबसे बुरी चीज़ है, इसीलिए मुझे लंदन बहुत बुरा लगता है, ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। बहरहाल गर्मी भी होती जा रही है साथ, इस टाइम 29 पे टेम्परेचर चला गया और लंदन का मेरे ख्याल में आज 30 तक जाएगा टेम्परेचर, सो गेट रेडी। क्या स्टोरी है, गर्मी बहुत है फिलहाल, यही स्टोरी है। अभी असल स्टोरी ये है कि हम रुके हैं सर्विसेज पे, लंदन एंटर होने से पहले सर्विस आती है हम 11 पर, उस पर हम रुके हैं वेलकम डे। यहाँ से प्रोग्राम ये है कि इधर ही इकट्ठे होंगे सारे कज़न वगैरह जो आ रहे हैं, यहाँ पे इकट्ठे होंगे, यहाँ पर ही चेंज वगैरह करेंगे, क्योंकि अभी तो आप नज़र आ रहे हैं नॉर्मल जो शर्ट्स और टी शर्ट्स और ट्राउज़र पहन कर फिर रहे हैं, क्योंकि इसमें ट्रैवलिंग ईजी रहती है। आ गया प्रोग्राम यह कि अपना देसी लिबास पहनेंगे इंशाल्लाह, शलवार कमीज़ और फुल देसी मॉल में जाएंगे भाई। और मैं और सलमान सबसे आगे थे, एफिशिएंटली बहुत है भाई आपके, सबसे पहले हम ही पहुँचे इधर, अभी तक फिलहाल किसी के कोई इधर आसार नहीं है, अभी मैं और सलमान ही हैं इधर फिलहाल, तो अभी हम इधर रात थोड़े फ्रेश होते हैं, बाकी कहीं से पहले ज़रा कॉफ़ी वगैरह पीते हैं। अगर सलमान पीनी है कॉफ़ी, गर्मी बड़ी है, आपका क्या है, मिल्क शेक में अधिका ट्राई करते हैं, मिल्क शेक भी ट्राई किया जा सकता है, कॉफ़ी भी ट्राई की जा सकती है। 5 मिनट तक सारे आ रहे हैं, सो 5 मिनट मैं और सामान अभी भी फ्री हैं, काफ़ी देर से हम वैसे हमें तो 15 मिनट हो गए हैं इधर आए हुए, 15-20 मिनट हो गए हैं ना, हाँ 15-20 मिनट हो गए हैं तकरीबन हमें आए हुए, तो मेरा ख्याल हमें जाके चेंज कर देना चाहिए सबके साथ ही, नज़िला हम चेंज करते हैं चल के। और भैया पहले अंदर से लेना है कोई मिल्क शेक वगैरह पीना कुछ, मेरा खुद कोई दिन पानी पीते हैं, बल्कि मिल्क शेक लेते हैं अंदर से चल के यार, मिल्क शेक ले लेते हैं आने से पहले सबके, बल्कि बाकी सब आते हैं फिर पूछते हैं किसी उन्हें भी कुछ लेना है या खाना पीना है तो ट्राई कर सकते हैं। वैसे यार ये सर्विसेज हैं, इसके कल सर्विस की थी आज फिर गंदी हो गई है, ये हमारे ड्राइवर फिलहाल के लिए हरन की बात सुनी है, देखा UK में भी कभी कभी हरन बजता है लेकिन नॉट ऑल टाइम, सम टाइम्स ओनली, पाकिस्तान में तो आप यूज्ड टू होंगे हरन बहुत ही बजता है, इधर सम टाइम्स बजता है, लेकिन जब बजता है पाकिस्तान की याद ताज़ा कर देता है। अभी मैं और सामान कर रहे थे फोटोग्राफी, क्या कहते हैं इंग्लिश, फोटोग्राफी, लेकिन मुझे बोलना नहीं आता इसे फोटोग्राफी, फोटोग्राफी है ना, लेकिन आपके भाई को नहीं बोलना था ये, मैं जब कॉन्सर्ट में था यूनिवर्सिटी में तब भी मेरे दोस्त ने कहते थे उमर लोग इट्स फोटोग्राफी, नहीं फोटोग्राफी, फोटोग्राफी, लेकिन यार फोटोग्राफी बोल दो क्या, आपको समझ आ गई है ना, बोला जो मर्जी आपको समझ आ गई है ना, बस ठीक है मैं उस मत कह रहे थे फोटोग्राफी, फोटोग्राफी कर रहे थे हम लोग और 5 मिनट फिर गुजर गए अभी तक फिर भी कोई भी नहीं आया, और हमें फोन कह रहे हैं हम 5 मिनट में आ रहे हैं, तो
दिस इज़ हाउ वी पाकिस्तानीज डू। कोई बात नहीं, हम तो पहले आ गए हैं, 5 मिनट और गुजर गए हैं और मैं और भाई स्टिल वेट कर रहे हैं। यार हवा बड़ी मज़े की चली है, ऐसी गर्मी में जो हवा है ना ये नेमत होती है बड़ी, मतलब सही पसीना आया हुआ है। अभी शुक्र है गाड़ी का ऐसी ठीक हुआ ना, वरना माता हमारी मत वजह नहीं थी, क्योंकि मोटर पे आप शीशा भी नीचे कर सकते। चलिए आप इतनी देर हमारी फोटोग्राफी चेक करें और हम ज़रा रेडी होकर आते हैं। लें जी ऑल डन, मैं और सामान भी रेडी हो गए हैं। ये था अपना देसी लिबास, जो देसी लिबास पहना है मैंने, सामान ने बॉस की दा सूट है, तो क्या से कहते हैं शादी अटेंड करेंगे तो अपने लिबास में अटेंड करेंगे भाई। तो हम लोग रेडी हैं, बस सारे तकरीबन आ गए, कज़न इकट्ठे हो गए हैं, सब रेडी ऑलमोस्ट, पहले थे कोई जो हो गए हैं, जो रह गए थे हो गए हैं, तो अब यहाँ से इकट्ठे निकलेंगे इंशाल्लाह टुवर्ड्स लंदन चेम्सफोर्ड, शादी अटेंड करेंगे और फिर शादी अटेंड करके वापस बैक टुवर्ड्स मैनचेस्टर, और मैनचेस्टर नाइट स्टे करके मे बी मॉर्निंग इंशाल्लाह हम सफ़र शुरू करेंगे वापस बैक टू एबरडीन इंशाल्लाह। अच्छा जी, सफ़र हमारा जारी है टुवर्ड्स लंदन। हमने अपनी तरफ से होशियारी की है कि मोटरवे को अवॉइड किया, क्योंकि हम 25 पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, लेकिन सीन ये हुआ है कि जो हमने कंट्री रोड पकड़ी है उस पर भी ट्रैफिक का ये वाला है। वेलकम टू लंदन। बाइक के शूज़ तो चेक करें यार, ये आपके बाइक का फाइनल गेटअप है फॉर वेडिंग, टू अटेंड अ वेडिंग बेसिकली। वेस्ट कोट पहले मैं सोच रहा था कि पहने कि ना पहनी जाए, लेकिन फिर मैंने देखा काफ़ी ने सबने पहनी है, तो मैंने कहा चलो हम भी पहन लेते हैं भाई, ऐसे गर्मी काफ़ी है, लेकिन अब आ गए हैं तो फिर क्या गर्मी यार। कम्स इन मेवर्स वांट टुवर्ड्स अ वेडिंग मेन्यू, तो वेस्ट कोट पहननी है, ग्लासेस चुराती के हैं, यानी फुल स्वैग में आ गए। स्वैग कहते हैं जो मर्जी कर, ऊपर लिखे लोग क्या कहते हैं स्वैग, सो देसी वेडिंग देसी स्वैग। हाँ जी, तो ऑलमोस्ट 11 बज गए हैं और अभी हम फारग हुए हैं, अब वापस जा रहे हैं टुवर्ड्स मैनचेस्टर। 4 घंटे का सफ़र है, वो होपफुली 4-4.5 घंटे में ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह, ऐसे रखे सफ़र। लेकिन यार बहुत ज़बरदस्त फंक्शन, बहुत मज़ा आया है, और मुझे मेरे 2 पुराने दोस्त मिले हैं, एक को तो मैं आफ्टर 20 ईयर्स मिला हूँ, शुजा को, वन आवर ही इज़ वॉचिंग द व्लॉग, सो इट वॉज रियली नाइस मीटिंग हिम, एंड सेकेंड वॉज मेहरान, वो भी मेरे बचपन का दोस्त है, रियली सही वाला बचपन का दोस्त, तो इट वॉज़ वेरी इंजॉइंग, मतलब वाकई में बहुत मज़ा आया। बाकी शादी भी नाइस थी, अच्छी फैमिली गैदरिंग थी, सबसे मुलाकात भी होगी, वो भी बस हेडिंग बैक टू मैनचेस्टर। ये तो बताना भूल ही गया, इट विल बी अ हेक्टिक राइड अगेन, बिकॉज रात के टाइमिंग लैंड में ये प्रॉब्लम है कि मोटरवेज पर काम करते हैं और रोड बंद कर देते हैं, सो इट विल बी अ हेक्टिक राइड, होपफुली देर वॉन्ट बी एनी क्लोयर्स ऑन द मोटरवेज। अगर क्लोयर्स ना हुए तो फिर तो इंशाल्लाह 4 घंटे का सफ़र है, अगर कोई डाइवर्जेंस मिल गई तो 4.5 घंटे भी लग सकते हैं, सो लेट्स सी, होपफुली चलो 3 o'clock इन द मॉर्निंग वी विल बी इन मैनचेस्टर। बज चुके हैं सुबह के ऑलमोस्ट 3:15 और मैं वापस मैनचेस्टर पहुँच गया हूँ। हरियत से बड़ा सफ़र अच्छा गुजरा, लेकिन दरमियान में बस एक जगह रोड क्लोयर थी, वही जिस चीज़ का डर था और आपको बताया भी था कि इट्स वेरी कॉमन हेयर कि रात के टाइम अक्सर जो है मोटरवे बंद कर देते हैं, कभी कोई ना कोई डाइवर्जन लगा देते हैं, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हैरियत से वापस आ गया हूँ, अब चल के नींद पूरी करते हैं सुकून से और देखते हैं अब कल किस टाइम निकलता हूँ वापस बैक टू एबरडीन। इस वजह मैनचेस्टर ज़रा फिरने का या एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं मिला, लेकिन मैनचेस्टर कॉमन डेस्टिनेशन अक्सर चक्कर लगता रहता है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आए फिर इंशाल्लाह टाउन सेंटर घूमेंगे और घुमाएंगे आपको भी। लेकिन फ़िलहाल ये ज़रा क्विक टूर था, शादी थी कज़न की, उसके लिए आना पड़ा, सो दैट वाज अ क्विक एंड क्या से कहते हैं अनप्लान ट्रिप, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर मैनचेस्टर भी घूमेंगे और इसके इर्द गिर्द आउटस्कर्ट्स भी काफ़ी प्यारे हैं घूमेंगे। लेकिन फिलहाल इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, और व्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब के समय टल्ली वाले बटन को लाजमी दबाइएगा, और दुआ में याद रखिएगा फी मांगना।